हेलो इंडिया, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है दोस्तों, मैं एक ऐसा जगह जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा पहाड़, पर्वत, झरना वगैरह बहुत सारा देखने को मिलेगा। जंगल के बीच से लेके जाऊँगा और वो जगह है दोस्तों उड़ीसा में, बरगढ़ जिला में है दोस्तों, और उस जगह का नाम है बारह बखरा बोलते हैं दोस्तों। जंगल के बीच में 12 पहाड़ के बीचों बीच है दोस्तों, और वो वाला बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है बोलते हैं दोस्तों। और बाइक में जाएंगे आज हम लोग, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और कुछ फैमिली वाले हैं उनके साथ जाऊंगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं अभी जाऊंगा, यहाँ से निकलूंगा कुछ टाइम बाद, तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा। और एक टूरिस्ट जगह है, जैसे कि आप लोग कभी जाएंगे तो ये वाला वीडियो देख के जाओगे तो आपको थोड़ा और जानकारी मिल जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कीजिए लास्ट तक, और वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को जल्दी से देखने के लिए मिले, पहला देखने के लिए मिले। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। I'll be your anything if you'll be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. चलाना बाइक दोस्तों, ये है बारह बखरा बोलते हैं इसको, उड़ीसा में है ये, बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों। मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ वहीं, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक देखना। स्पेशल वहाँ पे झरना है और क्या क्या है, जो भी है सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मेरे साथ बने रहिए, ये देखिए मेरे साथ और 2 बाइक जा रहे हैं सामने से, तो ये हमारे ही है जो मेरे जीजू हैं। तो इसमें जा रहे हैं हम लोग, 12 पहाड़ है इसमें, 12 पहाड़ पार करके जाना पड़ता है इसमें, रास्ता बना हुआ है। और ये वीर सुरेंद्र साय का गढ़ है वैसा बोलते हैं, तो वही उन्होंने ये वाला सब कुछ बनाया है सर, तो उन्हीं के टाइम से है। और यहाँ पे एक सुरंग है जो यहाँ से सीधा समलपुर पे निकलता है, लेकिन वो ना गवर्नमेंट सरकार ने, ओडिशा गवर्नमेंट वाले ने सीज कर दिया है, तो अभी खुला नहीं है, नहीं तो वो अलग दिखाई रहता मैं, लेकिन क्या करें, देखिए इतना खतरनाक रास्ता है कि क्या बताऊं, खुफिया रास्ता जैसे लग रहा है, बाइक चलाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोस्तों। और देखिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं अभी, लेकिन फिलहाल बाइक को तो
लेना ही पड़ेगा, यहाँ बीच में नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग बाइक में ही जा रहे हैं अभी। और ये देखिए चीनो, ये मेरा मामा का बेटा। तो देखिए दोस्तों, इतने पहाड़ के ऊपर से लेके जाना पड़ रहा बाइक को और बहुत ही खतरनाक है। तो इस साइड जब भी आओ तो बड़ा ही बाइक में आए, क्योंकि ये वाला छोटा वाला बाइक जो है इसमें शायद ही चल पाएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रास्ता था। आप देख ही चुके होंगे, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल है लेकिन उस साइड तो पत्थर ही पत्थर था। तो 12 पहाड़ हम लोग पार करके जा रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहे हैं जंगल के बीच रह के। दोस्तों जंगल का माहौल इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ। इस यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि आप यहाँ एक आध साल रह लोगे तो आपके शरीर का जितना भी बीमारी है वो आराम से चल देगा। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना स्वच्छ वातावरण मिल रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत ही ठंडा ठंडा। और आप जरूर आइए यहाँ पे घूमने, पिकनिक स्पॉट भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं कुछ ही टाइम बाद, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। और ये देखिए पिकनिक स्पॉट है, बोला था वही पिकनिक के लिए माहौल है यहाँ पे। तो हम और यहाँ पे हम बाइक रख रहे हैं क्योंकि आगे पहाड़ है तो जाने नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा सामने, अभी तो यहाँ पे बाइक हम लोग रख रहे हैं, एक और एक दो ठो बाइक है, हम लोग बाइक से आए हैं तो उतना दूर से बहुत ही खतरनाक चलाने में है, क्योंकि पहाड़ से 12 पहाड़ के बीच से हम लोग लेके आए हैं, 12 पहाड़ के पार करके आए हैं, इसको 12 बकरा बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग वहाँ पे झरना है तो उस साइड जाएंगे, तो बने रहे लास्ट तक। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 12 बकरा, जो कि है 12 पहाड़ के बीचों बीच, बहुत ही सुंदर प्लेस है, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है और झरना भी बहुत सारी है। तो ये देख सकते हैं झरना का कुछ नमूना। और चलिए यहाँ पे देखिए पहाड़, उस तरफ देखिए दोस्तों पहाड़, देखिए दोस्तों उस साइड बहुत ही चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो पहाड़ के नेक्स्ट उस साइड जाएंगे तो झरना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग नहाएंगे। अभी पहुँच ये 4-6-7 जन आए हम लोग, सब लोग हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल चढ़ाई करते हुए पहाड़ में। तो जो बीच है अभी पहाड़, ये मेरा भाई है और हम लोग जा रहे हैं अभी पैदल यात्रा करते हुए। और इतना अच्छा प्लेस है कि मैं आपको क्या बताऊं, देख ही सकते हो आप खुद दोस्तों। तो आपको जब भी मौका है मिले तो एक बार जरूर इधर आइएगा दोस्तों। ये है हमाबना के जस्ट आगे साइड, तो मैं थक भी चुका हूं, तो सीधा उस साइड मिलते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो को एंजॉय करिए।
चुके हैं अभी झरना पे, तो देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों कितना सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों। तो मैं अभी नीचे जाके भी आप लोगों को बताऊंगा कितना ऊपर से देखिए पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर रहा है दोस्तों, और नीचे साइड भी जाएंगे हम लोग अभी। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग कितना ऊपर में है ऊंचाई पे, तो हम लोग 12 पहाड़ आके हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों। तो देखिए ये वाला वो झरना है, तो कुछ टाइम बाद हम लोग वहीं पे पहुँचते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, साथ ही बेल अकाउंट को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो जल्द से जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू दोस्तों। ये झरना बर्फ बखरा का दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना शानदार बेहतरीन अमेजिंग और कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों। इतना मजेदार झरना है कि क्या बताऊं दोस्तों, देखिए ये वाला झरना। दोस्तों कितना स्पेशल जगह है ये वाला, टूरिस्ट जगह है, तो दोस्तों जल्दी से आ जाओ। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ये भाई लोग आ चुके हैं, और ये देखो स्पेशल जगह है ये वाला, देखो और देखो स्पेशल कितना स्पेशल जगह है। Oh,
आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं दोस्तों, और इस ब्लॉग को शेयर कमेंट जरूर करिए ताकि आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं यह ब्लॉग वीडियो जरूर देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।